नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश देव वर्मा। मैं बैंगलोर तिपरासा ग्रुप का एक वॉलंटियर हूँ। मैं आज मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरा वीडियो का इंतज़ार कर रहा होगा या फिर कोई अपडेट मिलने की उम्मीद में इंतज़ार कर रहे होंगे मेरी तरफ से। तो आज का अपडेट यह है कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को SMS मिला है त्रिपुरा की तरफ से, त्रिपुरा गवर्नमेंट या त्रिपुरा कंट्रोल रूम की तरफ से। बहुत सारे लोगों को SMS मिला है कि अपना नाम या फिर अपना आइडेंटिटी वापस कंफर्म करो बोल के, और बहुत सारे लोगों ने किया भी है। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मेरे को कॉल भी किया है ये पूछने के लिए कि वो सही है कि नहीं है। तो यही कंफर्म है कि हाँ वो सही है। आप लोग जो जो जिनके पास घर जाने के लिए है या फिर जिनके पास काम नहीं है और घर जाना चाह रहा है, उन लोगों के लिए है। पर मैं इतना रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों के पास काम है तो प्लीज़ आप लोग रजिस्टर ना करें, और जाने का अगर जाने की ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ मत जाओ। यही मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग अभी त्रिपुरा का सिचुएशन तो जानते ही होंगे, और त्रिपुरा में जितना भी केसेस हो रहे हैं आजकल तो पॉजिटिव केस तो बहुत हो रहा है। ये अच्छी बात है कि बैंगलोर से जाने वाले को किसी के पास किसी को पॉजिटिव नहीं पाया गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही रहेंगे। पर इतना ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन लोगों को, जिन लोगों का काम ऑलरेडी चल रहा है तो आप लोग प्लीज़ रजिस्टर ना करें, और जिन लोगों के काम नहीं है उन लोगों को जाने की अपॉर्चुनिटी दे, क्योंकि वो लोग यहाँ सफ़र कर रहा है, बहुत मुश्किल से जी रहा है। ना काम है, ना तनख्वाह है, ना खाने के लिए कुछ पैसा भी नहीं है उन लोगों के पास। अगर आप लोगों को काम है, आपका होटल वाले या फिर आपका मालिक लोग आप लोगों को खाना खिला रहा है, तो प्लीज़ आप लोग रहो। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को मना तो नहीं कर सकता घर जाने के लिए। मुझे पता है कि सब लोग घर जाना चाहता है और सबके मन में उतावला हो रहा है कि हम भी घर जाएंगे, और हमारे माँ बाप भी हम लोग को बुला रहा है बोल के। मुझे पता ही है, ये है कि इमोशनल अटैचमेंट तो है मम्मी लोगों के साथ या पापा घर वालों के साथ। घर वाले तो बोलेंगे ही कि दूसरों का बच्चा आ गया तो आप लोग क्यों नहीं पहुँचे वगैरह वगैरह। तो आप लोग को यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों का काम चल रहा है, आप लोग को तनख्वाह भी मिल रहा है, तो थोड़े दिन ही और वेट करो, और जब पूरा सेटल हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, जब पूरा गाड़ियाँ ट्रेन फ्लाइट्स चलने लगेंगे तो आप लोग तब चले जाना। तो यही अपडेट का बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहा है कि कल ट्रेन है कि नहीं है, पर ये अपडेट है कि कल कोई ट्रेन नहीं है त्रिपुरा के लिए। त्रिपुरा का ट्रेन के लिए अभी तक कोई डेट नहीं मिला है हम लोगों को, तो हम लोग उसका इंतज़ार कर रहा है कि अगले ट्रेन का डेट कब होंगे। बट यही उम्मीद में रखा हुआ है हम लोग कि बहुत जल्दी अगले ट्रेन निकल जाएगा और ट्रेन जाने के लिए त्रिपुरा के लिए। तो कुछ कुछ लोग अभी भी शेल्टर हाउस में फंसे हैं। आधा लोग जो जा चुके हैं शेल्टर हाउस से, वो तो गुवाहाटी के ट्रेन में गया था, वो त्रिपुरा के ट्रेन में नहीं गया था। वापस कंफर्म कर देता हूँ कि जो लोग 31 को गया था, 200 लोग शेल्टर हाउस में रहने वाले लोग, वो लोग गुवाहाटी के ट्रेन से गया है, कोई त्रिपुरा के ट्रेन से नहीं। तो यही मैं वापस बोलना चाहता हूँ, ये मत सोचो कि गुवाहाटी के ट्रेन में भी चले जाएंगे बोल के, मत चले जाना कल। तो प्लीज़ घर से ना निकले आप लोग, प्लीज़ अपना घर छोड़ के मत आओ, नहीं तो आप लोग को बहुत तकलीफ़ होंगे। ये हमारे रिक्वेस्ट हमारे तरफ से, हमारे बैंगलोर अतिप्रसर वॉलंटियर टीम की तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग घर छोड़ के मत जाओ कल। कल 3 तारीख जून को कोई ट्रेन नहीं है त्रिपुरा के लिए। त्रिपुरा के ट्रेन के डेट जल्दी कंफर्म होगा, आप लोगों को जल्दी खुशखबरी मिलेंगे, अगले ट्रेन के डेट भी मिलेगा। और जिन जिन लोगों ने आज अपना रजिस्ट्रेशन वापस कंफर्म किया है कि आप लोग यहीं फंसे हुए हैं, उन लोगों को चांसेस है कि आप लोगों का ई पास आ जाएंगे। ये इसलिए मेरा समझ ये है कि इसलिए करा गया होगा क्योंकि बहुत सारे लोग जा चुके हैं बिना ई पास के भी, शायद उन लोगों को फिल्टर करने के लिए ये वो SMS वापस भेजा गया है, और ताकि इन लोगों के पास या फिर गवर्नमेंट त्रिपुरा कंट्रोल रूम के पास एग्जैक्ट नाम रहे, और जो ऑलरेडी घर पहुंच चुके हैं उन लोगों को कोई SMS ना पहुंचे या फिर कोई ई पास ना पहुंचे, क्योंकि उसके वजह से एक सीट बेकार चले जा सकता है या फिर कोई सीट लॉस हो सकता है। तो मेरा इतना ही रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोग प्लीज़ इसमें ट्रैफिक मत करो, हमें इसमें ज़्यादा भीड़ मत करो, जिनको जाना नहीं है प्लीज़ आप लोग इसको फिल मत करो या फिर रिकन्फर्म मत करो। आप लोगों का डिटेल्स जो जो जैसा भी डिटेल्स फिल करना है वो तो मैंने फेसबुक में डाल दिया है। मेरा फेसबुक पेज में जाके देखो, दिनेश देवबर्मा करके ढूंढेगा तो मेरे को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग मेरा चेहरा तो पहचानेंगे प्रोफाइल फ़ोटो में देख के। तो देखो मेरा पेज में मैंने ऑलरेडी डाल रखा हुआ है कि कैसा फिल करना है वो सब,
और क्या करना है आप लोगों को। उसमें कॉकब्रोक में भी डाला हुआ है। अच्छी बात यह है कि कॉकब्रोक में भी है, बंगला में भी है, इंग्लिश में भी है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप लोग ये नहीं बोल सकते हमको कॉकब्रोक समझ में नहीं आता, या हिंदी समझ में नहीं आती, या फिर बंगला समझ में नहीं आती करके, क्योंकि उसमें तीन लैंग्वेज में डाला हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे। जिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकता है, मैं आपको वापस डिटेल्स वापस भेजने के लिए रेडी हूँ। बट मुझे कॉल करने से पहले या फिर कुछ पूछने से पहले आप मेरा फेसबुक पेज में जाके देखो, दिनेश देव वर्मा, या फिर बैंगलोर त्रिपुरा सा ग्रुप जो है फेसबुक पेज, उसमें जाके देखने से आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि ये जो SMS है उसको कैसे फिल करना है। उसमें मैंने कॉकब्रोक में लिखा हुआ है, मैं वापस इंग्लिश और हिंदी में भी इंग्लिश में लिख देता हूँ, ताकि जिनको कॉकब्रोक समझ में नहीं आता है उन लोगों को भी पता चले कि इसको कैसे करना है। तो जस्ट फॉलो द प्रोसीजर, जो जो आता है आप लोगों को क्या करना है कि उसमें जो लिंक आया है आप लोगों को SMS के थ्रू, वो लिंक में क्लिक करना है। लिंक में क्लिक करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जब आप लोगों ने रजिस्टर किया था, वो मोबाइल नंबर डालना है ऊपर। उसके बाद आप लोग को नीचे रहेगा प्रूफ दैट यू आर नॉट ए रॉबोट। तो रॉबोट जहाँ है उसके लेफ्ट साइड में एक लिखा रहेगा एक टैब में, वो टैब में जो भी लिखा हुआ है उसको कॉपी करके राइट साइड के टैब में सेम टू सेम टाइप करना है आप लोगों को। अगर कैपिटल N, कैपिटल T, कैपिटल V और स्मॉल लेटर S एंड नंबर कुछ लिखा रहेगा तो सेम टू सेम लिखना है। उसमें अगर कैपिटल लेटर में है तो बॉक्स में जब लिखेंगे वहाँ भी आप लोगों को सेम लिखना है, कैपिटल लेटर में या फिर स्मॉल लेटर में, तुरंत हूबहू वैसे ही लिखना है आप लोगों को। उसके बाद गेट OTP करके क्लिक कर दो। जब आपको गेट OTP करके क्लिक करेगा तो आप लोगों को OTP एंटर करने के लिए एक बॉक्स वापस पॉपअप होगा, तो उसमें आप लोगों को OTP डाल देना है। उसके बाद अंदर जाने के बाद उधर आपका डिटेल्स लिखा रहेगा, जो आप जब आप लोगों ने रजिस्टर किया था वो नाम, जितना लोगों का नाम है उसमें सबको लेफ्ट साइड में, हर नाम के लेफ्ट साइड में एक बॉक्स रहेगा छोटा सा, तो वो बॉक्स में आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसमें टिक मार्क आएगा या फिर कुछ कलर हो जाएगा जब आप वो बॉक्स में क्लिक करेंगे, तो उसके मतलब ये है कि वो नाम जो बंदा है वो जाने के लिए रेडी है या फिर वो जाना चाहता है। उसके बाद नीचे जब वो बॉक्स क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा अपडेट, या फिर उसमें यस और नो का एक रहेगा, पहले एक यस, एक लेफ्ट साइड में नो रहेगा, राइट साइड में यस रहेगा। तो वो उसमें वो बटन क्लिक कर देना है और वहाँ का जो कर्सर है उसको राइट साइड में यस की तरफ मोड़ देना है, या फिर क्लिक सेलेक्ट करके यस की तरफ दे देना है। उसके बाद नीचे जाएगा तो उसमें अपडेट करके रहेगा, अपडेट और कैंसिल। आप लोग को क्या करना है कि ऊपर जो है अपडेट करके जो लिखा रहेगा वो अपडेट में क्लिक करना है। अपडेट में क्लिक करते ही आप लोग को एक दूसरा पेज पॉपअप होगा कि आपका डिटेल सक्सेसफुली रजिस्टर करा गया है या फिर रिकॉर्ड करा गया है करके आप लोगों को एक और पेज में नोटिफिकेशन आएगी। तो वो नोटिफिकेशन अगर आप कन्फर्मेशन चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट रख दे सकता है, बट ये समझो कि दोस्तों वो कोई ई पास नहीं है, ये कन्फर्मेशन ई पास नहीं है, ध्यान रखे। ये मैं वापस बोल रहा हूँ कि ये कन्फर्मेशन जो है रजिस्ट्रेशन अपडेट करने के बाद जो भी अपडेट मिलता है, जो भी नोटिफिकेशन मिलता है आप लोगों को, वो ई पास नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये गलत फहमी में बैठा हुआ है कि सबमिट करते ही उन लोगों को ई पास आ गया करके, बट वो ई पास नहीं है। आप लोगों को बाद में ई पास भेजा जाएगा। ई पास की SMS कुछ अलग ही होती है, वो तो आप लोगों को पता ही चल चुका होगा, मैंने बहुत बार पहले का वीडियोस में भी दिखाया था। तो आप लोग इंतज़ार करो, वो अगर सबमिट करने के बाद वो नोटिफिकेशन जब आएगा तो समझ लेना कि वो आपका डिटेल्स वापस सबमिट हो चुका है। तो इसमें मेरे को ये भी पता चला है कि बहुत सारे लोगों ने डबल रजिस्ट्रेशन भी करा होगा, उसके वजह से उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उन लोगों ने दो तीन बार रजिस्टर कर दिया होगा ई पास ना आने की वजह से, पहले दो तीन बार रजिस्टर कर चुके होंगे, उसकी वजह से उन लोगों का एप्लीकेशन कैंसिल हो चुका है। तो आप लोग को उन लोगों को क्या करना है कि वापस कंट्रोल रूम में कॉल करो। जब आप अपना डिटेल्स डालेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा कि योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन कैंसल्ड बोल के।
और उसके नीचे आप लोगों को कंट्रोल रूम का नंबर्स भी दिया रहेगा। तो नीचे जो भी कंट्रोल रूम का नंबर्स दिया रहेगा वो नंबर पे कॉल करो, कल ऑफिशियल आवर्स में कॉल करो और उन लोगों को बताओ कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, उसको रीएक्टिवेट कैसे करना है या फिर अनलॉक कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो लोग आपको पूरा समझा देंगे और अच्छे से समझा देंगे और आप कर पाएंगे। अगर कुछ और ऑप्शन है तो वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। प्लीज़ आप लोग दोबारा न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए मत जाना, क्योंकि आपका आधार नंबर एक ही रहेगा। अगर आप लोगों का मोबाइल नंबर अलग भी रहेंगे तो भी आपका आधार नंबर सेम ही रहेगा, इसलिए दोबारा न्यू रजिस्ट्रेशन मत करो, नहीं तो वो और भी कैंसिल हो जाएगा। और आप लोगों का आधार नंबर जो है रजिस्ट्रेशन में ब्लैकलिस्ट हो सकता है, तो आप लोग ब्लैकलिस्ट होने की कोशिश मत करना। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग डालने के बाद कैंसिल करके अगर आते हैं तो उधर जो भी कंट्रोल रूम का नंबर दिया हो रहेगा वो नंबर पे कॉल करके पूछ लो कि आप लोगों का एप्लीकेशन कैसे रीएक्टिवेट होगा। ठीक है, इतना ही है दोस्तों, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, ऑलरेडी ज़्यादा लंबे वीडियोस तो ज़्यादा लोग देखते नहीं है, पर इतना ही बोलना चाहता हूँ। वापस फाइनली एंड में इतना बोलूँगा कि कल 3 तारीख जून त्रिपुरा के लिए कोई ट्रेन नहीं है, जो भी ट्रेन जा रही है वो असम की है, और आप लोग असम की ट्रेन में जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि असम के लोग ही बहुत सारे हैं, वही लोगों का असम के लोग ही फुल हो जाएंगे ट्रेन में, फिर आप लोगों को तकलीफ़ हो जाएंगे। प्लीज़ आप लोग अपना घर छोड़ के मत आइएगा कल। जब आप लोग जब त्रिपुरा के ट्रेन आएंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि अगले ट्रेन का डेट कब है, और आप लोगों को ई पास का SMS आ जाएगा। तो थोड़ा दिन और ही सही इंतज़ार कर लो दोस्तों, ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उन लोगों को भी दिखाओ, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उन लोगों को आपका मोबाइल से रजिस्टर करने के लिए भी हेल्प करो। एक मोबाइल से बहुत सारे लोग रजिस्टर कर सकता है। आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद वापस वो लिंक में जाके क्लिक करके वापस उनका नंबर और OTP आएगा, तो सेम वे आप सेम तरीके से लॉगिन करेगा तो सेम डिटेल्स मिलेंगे आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ मैं वापस दोहरा रहा हूँ, ये वीडियो को शेयर करो जितना हो सकता है, और अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन दो जिन जिन लोगों को ये वीडियो नहीं देखा होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ देते रहने के लिए आज तक। हम जितना तक कर सकते हैं बैंगलोर त्रिपुरा सा वॉलेंटियर्स टीम जितना कर सकते हैं हम करेंगे, हमारे तरफ से जितना हेल्प कर सकते हैं हम करेंगे, बट हम कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अपडेट है वही बने रहेंगे। हमारा हमको कॉल करने से भी हम कोई दूसरा अपडेट नहीं दे पाएंगे, तो गवर्नमेंट का अपडेट का इंतज़ार करते रहो। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भेजेगी आप लोगों का, कंट्रोल रूम से आप लोगों का SMS आएगी, तो वही SMS कंफर्मेशन की माध्यम से ही आप लोग आना प्लीज़। तो वापस थैंक यू वेरी मच हमारे साथ देते रहने के लिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग आगे भी हमारे साथ देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।